नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए यूट्यूब से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। एस्ट्रोमित्रम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य दशरथ दुबे और आपको आज पितृमोक्ष अमावस्या के बारे में विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। जिनकी कुंडली में पितृदोष, मातृदोष एवं पिशाच ग्रस्त दोष विद्यमान है अथवा 12 प्रकार के काल सर्प दोष में से किसी भी प्रकार का एक दोष विद्यमान है और जिसके कारण आपके शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं, व्यवसाय में अथवा नौकरी में बाधाएं आ रही हों, नौकरी में बार बार स्थानांतरण हो रहा हो, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हों और जो लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त हों, जिनको मृत व्यक्ति के बार बार दर्शन होते हों, स्वप्न में दिखाई देते हों, वह आज हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे द्वारा बताए हुए उपायों के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंत्र साप मिदं मर्त्याः पिशाचं बाध्यते सदा कर्मलोपं पितृभ्यश्च तत्रापाद वंशनाशनम्। यदि किसी के वंश में यदि अकाल मृत्यु हुई हो अथवा पितरों की शांति ना हुई हो तो वह पितृश्राप के कारण उनके वंश का नाश होता है, धन का नाश होता है और वह उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम आपको सर्वप्रथम बताने जा रहे हैं कि पितृदोष क्या है। जन्म कुंडली में नवम भाव में सूर्य के साथ में यदि राहु अथवा केतु बैठा हुआ हो तो प्रबल पितृदोष माना जाता है। मातृदोष यदि चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति हो, शुक्र के साथ में राहु की युति हो अथवा चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ राहु की युति हो तो प्रबल मातृदोष कारक होता है। पिशाचग्रस्त दोष यदि जिस जातक की कुंडली में लग्न में राहु के साथ में चंद्रमा यदि बैठा हो तो पिशाचग्रस्त दोष बनता है। और जो 12 प्रकार के जो काल सर्प दोष हैं वो भी पितृदोष के सूचक माने गए हैं अथवा जिनकी कुंडली में यह सब दोष विद्यमान हैं वह पितृ पक्ष में आश्विन शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितरों को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर सकते हैं। सर्वप्रथम जिनकी कुंडली में यदि प्रबल पितृदोष विद्यमान है वह अपने पितरों के प्रसन्नार्थ किसी वैदज्ञ ब्राह्मण द्वारा श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करा करके अथवा नारायणवली एवं त्रिपिटी आदि श्राद्ध करा करके उनकी मुक्ति का प्रयास कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग अपने घर में उपाय करना चाहते हैं वह पितृपक्ष में प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत 15 दिन तक पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए जल दान दें, शहद खीर और अन्न का दान करें और कम से कम 2 ब्राह्मणों का भोजन करावें और अन्न वस्त्र आदि का दान दें। उससे पूर्वजों की, आपके पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होगी और पितृदोष शांत होगा। दूसरा, 5 बलिदान कहे गए हैं गाय का, कुत्ता का, चींटी और कौआ के लिए बलिदान निकालें और जल में प्रवाहित करें। ये 5 प्रकार की जो बलिदान हैं यह करने से भी पितृदोष की शांति होती है। पितरों की प्रसन्नता के लिए पुत्र को पिंडदान करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक उनके मोक्ष का यत्न करना चाहिए। पुमान नरकम तारयति इति पुत्रः, पुत्र का धर्म है कि अपने पितरों को सदगति प्रदान कराए। और श्रद्धा श्राद्ध कर्म क्या है, का श्रद्धा
श्रद्धया दीयते तद श्राद्धम, श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान किया हुआ कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। अतः सभी अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पूर्वजों के आत्म की शांति के लिए सभी को यत्न पूर्वक प्रयास करना चाहिए, जिससे कि उनको आत्मा की शांति प्राप्त हो सके। और 15 दिनों तक नियमित रूप से पितरों के लिए जल दे, तर्पण करें, और जो पूर्व में बताए हुए उपाय हैं, पकवान बना करके उनके निमित्त पंच बलि दे। पंच बलि क्या क्या हैं? गौ के लिए बलि निकालें, दूसरा स्वान के लिए, तीसरा पिपीलिका बलि अर्थात चींटी के लिए, चौथा कौआ के लिए, और पांचवा जल में प्रवाहित करें अन्न को, वही पकवान। और इस प्रकार से हम अपने पितरों की शांति के लिए यह अनेकानेक उपाय कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, और सभी दर्शकों को नमस्कार। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।